हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके हैं एमवीवे का राउंड वन सॉन्ग का रिएक्शन। और ये बहुत टाइम बाद इनका ऐसे आ रहा है, बिकॉज नॉर्मली अभी तक जो आ रहा था वो लाइक सिर्फ एडिटेड वर्जन आ रही थी बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था। तो ये मेरे ख्याल से आउट एंड आउट वीडियो आई है पूरी की पूरी। अभी रिसेंटली उन्होंने मैकलमोर के साथ भी वीडियो बनाई थी, और अभी जो है इनकी शायद 6ix9ine के साथ भी वीडियो आने वाली है, तो आ सकती है। पता नहीं उन्होंने फॉलो किया अभी तो कुछ होता है कि नहीं होता है, तो उसके बारे में या किस बारे में, या फिर इनकी अभी भी लड़ाई चल रही है कृष्णा के साथ, तो उस बारे में हो सकता है सॉन्ग। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और लोग मुझे एमवीवे का भाई कहते हैं, तो पता नहीं आप लोगों को लगता हो तो बताएगा जरूर। बाकी फिर एमवीवे का भाई एमवीवे के सॉन्ग पे रिएक्ट कर रहा है, और तो क्या। यस, एमवीवे बनता है के सॉन्ग्स तो वैसे भी सुनने में और देखने में दोनों में इतने मजेदार होते हैं, प्लस इनकी लिरिक्स जो है ना वो कुछ अलग ही होती है। मतलब काइंड ऑफ बातें करते हैं लिरिक्स में, और जो भी इनके साथ को एक्ट्रेस होती है उनको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं अपनी लिरिक्स में कि सुन के मजा आता है। प्लस ये इनका एक सॉन्ग था बहुत हार्ड जिसमें एक लिरिक्स थी, उस सॉन्ग से तो ये और भी ज्यादा फेमस हो गए थे। मतलब ऑलरेडी फेमस थे, इन्होंने काफी सारे सॉन्ग्स गाए हैं। गली बॉय में भी इनकी एक अपीयरेंस थी, उसमें भी आए थे ये। तो इनके सॉन्ग्स वैसे काफी अच्छे होते हैं, सो आज इनका काफी टाइम बाद वैसे एक सॉन्ग आया है। इनका एक और सॉन्ग था फिर से मचाएंगे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग सॉन्ग था। सब देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है। और मेनली अभी तो रिसेंटली वो बहुत सारी कोलैबोरेशन पे फोकस कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कर रहे हैं, जैसे डैक्स के साथ भी किया था। वैसे डैक्स की मतलब हाँ, वो अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं यूके के माने जाए तो उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था। तो फिर देखते हैं अभी और आगे क्या क्या करते हैं, और इस सॉन्ग में मेनली क्या करते हैं, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इनके छत वाले वो मस्त होते हैं लाइव वीडियोस। काफी डीप मीनिंग वाला सॉन्ग होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। और शुरुआत तो बहुत डार्क हाँ। है। चेंज सच में वाह सही था। हाँ बहुत डीप मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। हाँ शानदार, लाइक पूरी अपनी जर्नी बता रहे हैं। हाँ वाह
आग सॉन्ग था, बिल्कुल आग था, क्योंकि जिस तरीके से लाइक वो एक एक पैराग्राफ में उन्होंने अपनी कहानी बताई है, अपनी जर्नी पूरी बताई है कि लाइक वो किस तरीके से था, एंड लाइक ये मतलब हर एक पॉइंट पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। जैसे उन्होंने अपना नाम बताया, असली नाम बताया, तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि स्टेज नेम एम बी में, और ये तो ये अगर याद हो तो एम बी में, और जब रफ्तार की लड़ाई चल रही थी तब भी रफ्तार ने उनको बोला था कि भाई तू मुसलमान हो के ऐसे करता है, तो फिर उन्होंने बाद में ये बोला था कि मेरे धर्म पे क्यों जा रहा है, तो इस बार उन्होंने वो पूरा हाईलाइट किया कि ऐसा है, ये नाम है मेरा, ऐसा चीज़ है। और साथ में अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई मैं यूट्यूब रैपर हूँ, और यूट्यूब पे होने के बाद भी, मैं इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इतना बड़ा बन चुका हूँ कि लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं, और लाइक मतलब लिसनर्स तो इनके बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ इन्होंने अपनी मतलब उसको फोकस बनाया, और उसके बाद बहुत अच्छे से बनाया लाइक, और ये बहुत मस्त विजुअल्स बाय हैप्पी था, लेकिन वो जो विजुअल्स थे वो हैप्पी नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा डार्क थे, क्योंकि वो देखा जैसे लास्ट में हुआ तो फिर वो एकदम से वो सारी वो डार्कनेस छट गई और फिर वो एकदम नॉर्मल माहौल आ गया। तो वो एक दिखाना चाहते हैं कि जब तक एम वे परफॉर्म कर रहा था तो वो पूरा डार्कनेस वो उनके आजू बाजू आ गई थी, एंड फिर बाद में सब चीज़ नॉर्मल हो गई। तो वो विजुअल्स काफ़ी कमाल के थे, और पूरे वीडियो ही टोटली बहुत जोरदार थी। एग्जैक्टली वीडियो बहुत जोरदार थी, मतलब स्टार्टिंग का म्यूजिक थोड़ा बहुत स्लो चल रहा था, तो ऐसा लगा कि बहुत मतलब सॉन्ग भी ऐसे ही बीट्स पे चलेगा, बट जैसे उन्होंने गाना स्टार्ट किया बीट्स ही चेंज हो गई, पूरा म्यूजिक चेंज हो गया, और इतनी फास्ट, मतलब बोलते ना जैसे हॉलीवुड रैपर्स होते हैं, थोड़ा बहुत वैसा टच दिया था इन्होंने, थोड़ा बहुत, बट सॉन्ग काफी अच्छा था, मीनिंग ऑफ कोर्स काफी डीप था, लग रहा था कि अपने हेटर्स को यू नो बता रहे हैं कि देखो आज मैं कहाँ तक पहुंच गया, मतलब इतने हेट्रेड अगर उन्होंने सहन किए, तो उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ अचीव किया। उन्होंने सॉन्ग में बताया कि उनके पेरेंट्स को जो भी चाहिए, उनको खुद को जो भी चाहिए, वो आज वो उन्हें दे पा रहे हैं, बिकॉज उनका यूट्यूब भी उनका प्लेटफॉर्म है, और YouTube से वो इतना उठ के आए, उनके व्यूअर्स अच्छे, उनके सब्सक्राइबर्स अच्छे, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी बताया, लव माई फैंस, आई लव माई सब्सक्राइबर्स। सो मतलब इन्होंने इस पूरे सॉन्ग में अपने हेटर्स को भी सुना दिया और अपने फैंस को अपना प्यार भी बता दिया, वही दोनों चीज एक साथ की, और मेनली राउंड वन है, तो अभी राउंड टू राउंड थ्री में क्या होगा। और ये तो मेरे ख्याल से अगर आप स्टेजेस वाइज देखो तो राउंड वन में अपनी स्टोरी बताइए, तो राउंड टू में क्या अपने मतलब राइवल्स को बताएंगे, या फिर राइवल्स को डिस करेंगे, या फिर कुछ और बताना चाहेंगे, या फिर एक नया लेवल को छूना चाहेंगे। और साथ में मेन बात यह है कि ये पूरा रैप जो है इंग्लिश में किया गया था, थोड़ा भी हिंदी में मिक्स था, बाकी छोटे पार्ट से जो हिंदी में थे बाकी मेनली इंग्लिश में ही था। और वैसे एमबीबी ने इससे पहले भी थोड़े एक दो सॉन्ग्स किए हुए हैं जो इंग्लिश में किए, लेकिन ये आउट एंड आउट फास्ट रैप पूरा इंग्लिश में किया, और ये बहुत कमाल का किया, क्योंकि इनके मेनली फेमस सॉन्ग जो है वो हिंदी सॉन्ग्स ही, और हिंदी वाले इनके बहुत ज्यादा फेमस हुए। एंड एक्चुअली यू नो इस सॉन्ग में भी जब इन्होंने बीच बीच में हिंदी गाया ना, तो वो भी एक अलग ही टच लग रहा था, और वो सुन के भी बहुत मजा आ रहा था, मतलब इंग्लिश के बीच में हिंदी जब इन्होंने घुसाई वो सुन के भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वही, और मेनली क्या इनके हिंदी सॉन्ग इतने फेमस है कि लाइक वो सारे जो स्ट्रीट में आप जो भी लोग घूमते हैं उनको गाना बहुत पसंद आती है, और वही आपको मतलब कहीं भी आप जा रहे हो तो आपको एमवी का गाना सुनने को मिल ही जाएगा, ऐसा है लोगों को एक रैपचिक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो इंग्लिश सॉन्ग्स भी अभी धीरे धीरे इनकी वाइब में आ रहे हैं और लोगों को पसंद आने शुरू हो गए, तो देखते हैं नया जॉनर है और किस तरीके से इसको पूरा कैरी ऑन कैरी फॉरवर्ड करते हैं ये, और शायद इनको हेल्प करे कि ये जो फॉरन आर्टिस्ट है उनके साथ मिक्सअप करने में भी इनको हेल्प करे, और उनके साथ आगे जाके कोलैबोरेशन हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक एमवी, और ऐसी सक्सेस करते रहो और कमाल करते रहो। बाकी आप लोग को ये सॉन्ग कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएगा, और ऐसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।